हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए मैं पार्ले जी बिस्किट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बर्थडे केक है और ये मुझे पिनल सोलंकी जी की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप मुझे पार्ले जी बिस्किट केक की रेसिपी बताएं, वो भी बेकिंग पाउडर से। तो आज मैं बता रही हूँ। तो पिनल सोलंकी जी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बिना एग, बिना कंडेंस मिल्क के ये केक बनाऊंगी और इसे मैं ओवन में बनाऊंगी। इससे पहले मैंने पार्ले जी बिस्किट केक की रेसिपी आपको कढ़ाई में बताई थी। ये केक बहुत आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाते हैं पार्ले जी बिस्किट केक। बिस्किट चॉकलेट केक के लिए हमें चाहिए, मैंने दो पैकेट पार्ले जी के लिए हैं, ये 10 रुपये का एक पैकेट है और ये एक पैकेट 130 ग्राम्स का है। तो आपको टोटल 260 ग्राम्स का पार्ले जी बिस्किट लेना है। सबसे पहले हम ब्लेंडर जार में सारे बिस्किट तोड़ के इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है। पहले मैं एक ही पैकेट डाल रही हूँ, उसे मैं पहले अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा पैकेट डालूँगी। उससे क्या होता है, आपका बिस्किट अच्छे से पाउडर होता है, बिस्किट के टुकड़े भी नहीं रहते हैं। अब इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं दूसरा पैकेट भी डाल देती हूँ। इसमें सारे बिस्किट इसी तरह आप तोड़ के डाल दीजिए। अब इसमें मैं 4 बड़े चम्मच चीनी के डाल दूँगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, इसका मैंने पाउडर बना दिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बिस्किट के टुकड़े जरा भी नहीं हैं। अगर आपको लगे बिस्किट के टुकड़े रह गए हैं तो आप फिर से इसे ब्लेंड कर लीजिए। बैटर बनाने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। इस तरह का केक टिन ले लीजिए, आपके पास कोई भी हो। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास कोई केक टिन ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी स्टील का या एल्यूमिनियम का बर्तन या डब्बा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। और इसमें मैं बटर पेपर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आपको अच्छे से इसे ग्रीस करना होगा। इसे मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। इसे हम कन्वेंशन मोड में 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करेंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसे प्री हीट कर रही हूँ। अगर आपका ओवन है उसे भी आप प्री हीट कीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम बैटर बनाते हैं। इसमें मैंने जो बिस्किट का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। अब आपको दिखाती हूँ, इसमें बिस्किट के टुकड़े जरा भी नहीं है, एकदम फाइन पाउडर ये बना है, इस तरह हमें चाहिए। इसमें मैं 1/4 कप मिल्क पाउडर का डाल रही हूँ। इससे केक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको ना पसंद हो, ना मिल रहा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाल रहे हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे पहले भी मैंने पार्ले जी बिस्किट केक की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसमें मैं 1 कप दूध का डाल रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूध आप एक साथ ना डालें, हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप एक साथ डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने बहुत से केक की रेसिपी शेयर की हैं, उनका लिंक भी आपको दे दूंगी, आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम बाकी का दूध भी डाल देंगे। ये देखिए, मुझे पूरा 1 कप दूध लगा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मैं ओवन में बना रही हूँ, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल रहे हैं और ये मैं भर के डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें ना बेकिंग सोडा डालना है ना ही इनो डालना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर से ही हम बनाएंगे। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह हमें चाहिए, ये परफेक्ट है।
अब बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे, सारा हम बैटर डाल देंगे और इसे हम स्पैटुला से निकालेंगे ताकि बैटर ज़रा भी वेस्ट ना हो। मैं केक टिन का आपको लिंक दे दूंगी, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इस तरह आप सारा बैटर डाल दीजिए और इसे हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि एयर बबल निकल जाए। माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है, अब इसमें हम केक टिन रख देते हैं और इसे फिर से हम कन्वेंशन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करेंगे और इसे मैं अब 30 मिनट्स के लिए सेट कर रही हूँ। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तब भी आपको 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए सेट करना है, और कढ़ाई में कर रहे हैं तो कढ़ाई में भी आप इसे 40 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। 30 मिनट हो चुके हैं, केक बेक हो चुका है। अब आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से बेक हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। केक को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब इसमें मैं आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से केक बेक हो चुका है, अब इसे आप ठंडा होने दीजिए। केक ठंडा हो चुका है, अब इसे हम नाइफ से थोड़ा लूज़ कर लेते हैं ताकि केक आसानी से केक टिन से बाहर आ जाए। अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख देती हूँ और इसे ध्यान से हम पलट लेंगे और हल्के हाथों से इसे हम टैप करेंगे और धीरे से हम इसे उठाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से केक बाहर आ गया और कितना स्पॉन्जी बना है और परफेक्ट निकला है। आप देख सकते हैं कहीं से भी टूटा नहीं है, इसलिए आप ठंडा करके ही डीमोल्ड कीजिए। अगर आप केक गर्म में निकालेंगे तो आपका केक टूट जाएगा, इसलिए इसे ठंडा ही निकालना है। ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ कितना अच्छे से केक बेक हुआ है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। इसे मैं चॉकलेट स्प्रेड से आइसिंग करूँगी। इससे पहले मैंने आपको चॉकलेट गैनाश से भी आइसिंग बताई है, आप ये भी करके देखिए, बहुत टेस्टी लगती है और केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से आप चारों तरफ इसे फैला दीजिए, अच्छे से इसे स्प्रेड कीजिए और जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना बच्चों को पसंद आता है चॉकलेट स्प्रेड, इसलिए बिल्कुल भी आप कंजूसी मत कीजिए। अच्छे से चॉकलेट स्प्रेड चारों तरफ लगा दीजिए। आप चाहें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करके भी आप सेंटर में भी चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आप जितना लगाएंगे उनके लिए कम है। मैं भी चॉकलेट स्प्रेड से फर्स्ट टाइम केक की आइसिंग कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए इस तरह आप चारों तरफ फैला दीजिए अच्छे से, ये नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट स्प्रिंकल डालेंगे, उससे भी चॉकलेट का लुक बहुत अच्छा आएगा। चॉकलेट स्प्रिंकल इस तरह से मैं कॉर्नर में चारों तरफ लगा दूंगी। आप किसी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैम से कर सकते हैं, स्प्रिंकल से कर सकते हैं, या आप ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद आए आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इससे आप देख सकते हैं केक का लुक ही बदल गया और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर नाम भी लिख सकते हैं जिसका बर्थडे हो। ये लीजिए पार्ले जी चॉकलेट बिस्किट केक रेडी हो चुका है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए काटने पर ही पता चलता है ये केक कितना स्पॉन्जी बना है और ये अंदर से भी पूरी तरह बेक हो चुका है। आप लोग मेरे स्टेप फॉलो करके बनाइए तो आपका केक भी परफेक्ट अच्छा बनेगा मेरे जैसा ही। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ये अंदर से भी आप देखिए अच्छे से बेक हो चुका है और देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट केक बना है, आप देख सकते हैं सेम बेकरी जैसा, आपको कोई बता नहीं सकता कि आपने खुद बनाया होगा। तो ये ज़रूर बनाइए, किसी का बर्थडे है या बच्चों की फरमाइश रहती है तब भी आप उन्हें बना के दे सकती हैं। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।